नमस्कार दोस्तों, आज क्या बहुत ज़्यादा ठंड है और इन ठंड के मौसम में जब मैं अपने ऑफिस से आता था तो मेट्रो स्टेशन के बाहर में एक पूरी वाला है, तो वो चने की आलू की सब्जी देता था, वो पूड़ियाँ देता था। तो उसकी पूड़ियाँ और चने आलू की सब्जी जो थी वो बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उससे रेसिपी पूछी तो उसने मुझे बताया था कि चने आलू की सब्जी में लहसुन प्याज ये कोई भी चीज़ नहीं डालता है, सिर्फ सादा बनाता है। तो ये ऐसी होती है जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो भी खा सकते हैं। तो आज हम कोई नाश्ता बनाने जा रहे हैं चने आलू की सब्जी का और पूड़ियों के साथ, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। दोस्तों टमाटर का क्या करना है, आप अपने हिसाब से काटें, थोड़ा रफ भी चॉप कर सकते हैं, फाइन भी चॉप कर सकते हैं, और ज़्यादा रफ भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टमाटर उसमें जाके मेल्ट होना है, जब ये गर्म किया जाएगा तो उसमें जाके मेल्ट होना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसी मर्जी वैसा टमाटर काटें। दोस्तों हरी मिर्च भी हमको चॉप करके रखनी है पहले ही, तो हरी मिर्च को ये क्या करना है, बीच में से कट लगाने हैं और फिर इसको आराम से चॉप कर लीजिए। दोस्तों कढ़ाई में सरसों का तेल डाल चुके हैं, आप चाहे तो रिफाइंड ऑलिव ऑयल, देसी घी, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से इसमें एक अलग फ्लेवर आता है, तो सरसों का तेल ही डालें। अब इसको हॉट होने देंगे, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ डालेंगे। देखिए दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें डालेंगे जीरा, जीरा आप एक चम्मच डाल सकते हैं, एक टीस्पून। देखिए दोस्तों जीरा भी हो चुका है, इसको ज़्यादा काला नहीं करेंगे, नहीं तो राख जैसा मुँह में आता है। अब इसमें डालेंगे टमाटर, ये टमाटर 250 से 300 ग्राम थे, ये मैंने चॉप कर लिए हैं, और तुरंत ऐड करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा नमक। नमक क्या करता है, नमक टमाटर को जल्दी मेल्ट करता है। तुरंत ऐड करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, ढक के रख देंगे, तो अभी इसको बंद कर देते हैं। तो आलूओं को क्या करना है ना, आप मैश करना चाहें हाथ से तो कर सकते हैं, लेकिन एक आपको एक थोड़ा सा अलग फ्लेवर चाहिए ना, तो आप इनको चाकू से ही काटें, और हो सके तो ऐसे करके काटें, अपना हाथ बचा के आराम से ऐसे करके इनको काट दें। 4 या 5 मीडियम साइज़ के आलू ले लीजिए और उनको आराम से ऐसे काट लीजिए। अगर आपको काटने का मन नहीं कर रहा है, आपके आलू ज़्यादा मैसी हो गए हैं, तो आप उनको हाथ से फोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए ये तेल छूटने लगा है, तो और टमाटर भी देखिए कितने अच्छे मैसी हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, तो सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च, उसके बाद ये डालेंगे हल्दी, डालेंगे ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, लगभग 2 चम्मच, थोड़ी देर इनको सौते करेंगे। तो हल्दी धनिया पाउडर क्या है, इसमें भुन चुके हैं सही से, तो अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसको थोड़ी देर भुनेंगे। हेलो बोला दोस्तों, तब तक हम क्या करते हैं, ये अपना धनिया चॉप कर लेते हैं, क्योंकि बाद में गार्निश के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और धनिया चॉप करने से पहले धो ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, चॉप करने के बाद धोना पड़ेगा तो आपको जाली वाला गुनों का बर्तन लेना पड़ेगा। ये हमारा जो मसाला है परफेक्ट स्थिति में है, तो अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले चने। एक कटोरी चने लिए थे एक बाउल, और उनको भिगा लिया था, एक रात भिगो के रखा था, उसके बाद में इनको उबाल लिया है। अभी ये देखिए ऐसे चने हो गए मैसी एकदम, ऐड करके हल्का सा स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे मतलब। बाद में हम इसमें ऐड करेंगे आलू, ये आलू मैंने पहले बताया था 3 से 4-5 आलू थे मीडियम साइज के, अब इनको भी इसमें मिक्स कर लेंगे आराम से। ये मिक्स हो चुके हैं, तो हमने पहले टमाटर में थोड़ा सा डाला था, तो उसी हिसाब से हम 1 टीस्पून और डालेंगे, और इससे ज़्यादा नमक डालोगे तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए अपने हिसाब से करेंगे पानी ऐड, और आपको अगर ज़्यादा पतली ग्रेवी पसंद है तो पतला, ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी पसंद है थोड़ा कम पानी, उसी हिसाब से आपको रखना है। और
फिर इसको क्या है 5 से 10 मिनट मीडियम हॉट आंच पे उबालेंगे और फिर इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ठीक है, आटा आपको गूंदना है, ठीक है, और फिर इसकी पूड़ियाँ निकालनी है। ये चने और आलू की जो सब्जी होती है पूड़ी के साथ में खाई जाती है, रोटी के साथ में भी खा सकते हो, लेकिन सुबह सुबह पूड़ी के साथ में इसका जो मज़ा आता है वो आपको रोटी के साथ में कतई नहीं आ सकता। अब इसको इसमें डालेंगे, इसको आराम से ऐसे करके पूरी पूरी में तेल डाल डाल के ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। अभी एक दो पूड़ियाँ और सेकेंगे। हमारे चने आलू की जो सब्जी है परफेक्ट बन चुकी है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा टीस्पून लगभग गरम मसाला डालेंगे, या अंदाज से भी डाल सकते हैं 1 या 2 पिंच। इसको डाल के हल्का सा स्टर करेंगे और अब इसको सर्व करेंगे। पहले फ्लेम को टर्न ऑफ करेंगे और इसको हरे चॉप्ड धनिया से क्या करेंगे, गार्निश करेंगे। इसको हम करेंगे सर्व चने आलू की सब्जी पूड़ियों के साथ में, बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये फूली फूली पूड़ियाँ हम आराम से रखेंगे इसमें। इनके साथ में इसको खाएंगे। दोस्तों हमारे चने आलू की सब्जी तैयार है। आप इसको अचार प्याज की सलाद के साथ में सर्व कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था ये बिना प्याज बिना लहसुन की है, तो मैं प्याज की सलाद भी नहीं रखूँगा।